तो आपको दो तरह की मिक्सिंग दिखाई देगी। या तो आप देखोगे ए एक्स ए टी प्लस बी इस टाइप का देखेंगे, या तो टाइप ये हो जाएगा और या तो दूसरा ऐसा ऑपरेशन भी देख सकते हो ए एक्स ए टी प्लस बी बाई सी ऐसा भी देख सकते हो, राइट। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड्स यूज करते हैं, तो पहले हम इसकी बात करेंगे मेथड फर्स्ट, और इसके लिए मेथड सेकंड। तो मेथड सेकंड इज वैलिड फॉर बोथ टाइप, एंड मेथड फर्स्ट इज वैलिड ओनली फॉर टाइप वन। तो दिस मेथड वैलिड ओनली फॉर टाइप फर्स्ट, बट दिस मेथड इज वैलिड फॉर बोथ। दिस इज वैलिड फॉर बोथ टाइप। दोनों के लिए ये वैलिड होगा। तो स्टार्ट करें टाइप वन टाइप टू मेथड वन मेथड टू। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल है और जो ऑर्डर हम यूज करेंगे आप लोग वही ऑर्डर यूज करेंगे, ऐसा इसलिए अदरवाइज सिग्नल रॉन्ग होगा। ये ऑर्डर कहाँ से बनाए गए, ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैटलैब में सिग्नल ड्रॉ किया गया हो और फिर देखा गया हो कि किस ऑर्डर से फुलफिल हो जाएगा। यूँ मान लीजिए कि पहले तो सिग्नल ड्रॉ किया गया होगा और ड्रॉ करने के बाद देख लिया गया होगा कि कौन सा ऑर्डर ठीक रहेगा इसको फुलफिल करवाने के लिए, तो वही सीरियल वही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो टाइप वन मेथड वन, तो एक एग्जांपल है वही सिंपली एग्जांपल लें जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए, फिर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, सिग्नल गिवन है दिस और हमें ड्रा करना है एक्स टू टाइम्स एक्स ऑफ टू टी प्लस टू, ये ड्रा करना है। ओके गाइस, तो पहले तो आप देखो कि ये टाइप वन में आ गया, तो जब ये टाइप वन में आ गया
तो हम मेथड वन की बात करेंगे। तो फर्स्ट मेथड से इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, तो करना क्या है, पहले तो स्टेप फर्स्ट, एम्पलीट्यूड स्केलिंग करना है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग यानी ये वाला जो स्टेप है आप किसी स्टेप पे कर सकते हैं। तीन स्टेप हैं, तीनों स्टेप में किसी पोजीशन पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो एम्पलीट्यूड कितना स्केल करना है इसको आप कंपेयर करा दीजिए। ए एक्स ए टी प्लस बी से कंपेयर करा दीजिए, सो यू विल गेट ए इक्वल टू टू, स्मॉल ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू आल्सो टू, राइट। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो एम्पलीट्यूड मिले उसको एक्स टी सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड रिवर्सल होगा तो रिवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ रिवर्सल का तो केस नहीं है, नहीं एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो जाता। तो सिंपली आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल ए इक्वल टू टू किससे, विद एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स टी से, एक्स टी के एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वन है, वन में टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वन में टू से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा हाइट में चेंज, यानी कि एम्पलीट्यूड एक्सपेंशन हो जाएगा, राइट। तो मिल गया हमें 2xt। ओके गाइस, अब अगले स्टेप में यानी स्टेप सेकंड में क्या करना है वो भी जानिए। सेकंड स्टेप में आपको शिफ्टिंग करनी है। तो शिफ्टिंग कैसे करते हैं, हमने बताया था आपको, बी का वैल्यू कलेक्ट करिए, इसके क्रिटिकल पॉइंट में घटा दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट बी विद बी की वैल्यू कितनी है दो, विद एवरी क्रिटिकल जो सिग्नल हमें सेकेंड स्टेप यहाँ पर मिला है आफ्टर फर्स्ट स्टेप के बाद में, सिग्नल दैट वी गॉट आफ्टर द फर्स्ट स्टेप, ऐसे लिख लें, क्रिटिकल्स ऑफ सिग्नल, इस सिग्नल का नाम दे दीजिए फर्स्ट सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल इसका नाम दे दीजिए, राइट। तो इस सिग्नल के पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, साफ साफ दिख रहा है, जीरो एंड वन, दो घटा दीजिए, तो जीरो माइनस दो ये हो जाएगा माइनस दो, वन माइनस दो यानी माइनस वन आ जाएगा, यानी ये वाला फुट क्रिटिकल पॉइंट माइनस दो पे जाना है और ये क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन पे जाना है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा,
माइनस दो माइनस वन, ऐसा हो जाएगा, हाइट दो हो जाएगी, राइट। नाउ थर्ड, थर्ड स्टेप में क्या करना है, लास्ट में जो बचा लास्ट में क्या बचा, हाँ स्केलिंग, कैसे करेंगे भाई, डिवीजन ऑफ स्मॉल ए कितना वैल्यू है, दो, एवरी इसका नाम दे दो सेकंड, एवरी क्रिटिकल्स ऑफ सेकंड, तो यहाँ पर कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है, तो डिसकंटिन्यू की बात पे जाना नहीं है, यूँ देखिए जहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, तो माइनस दो और माइनस वन दो ही क्रिटिकल पॉइंट हैं, उनमें आप दो को डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस दो डिवाइडेड बाई दो यानी माइनस वन हो जाएगा, एंड माइनस वन डिवाइडेड बाई टू यानी कि माइनस वन बाई टू हो जाएगा, तो फाइनल जो सिग्नल आया हमारा वो क्या आ गया, यानी यहाँ कंप्रेशन हो गया, तो ये हो गया माइनस वन से हाफ, माइनस वन से माइनस वन बाई टू, तो ये आ गया फाइनल, यानी कि जो थर्ड वाला सिग्नल है इट इज टू एक्स टू टी प्लस टू। ओके गाइस, ये हो गया स्टेप थर्ड, थर्ड स्टेप ये हो गया, तो जिन यही तीन स्टेप आपको करने हैं और ये ऑर्डर ऐसे याद रखना है, यही तीन स्टेप करने हैं और यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग कहीं भी कर सकते हो लेकिन पहले कर लो बेटर है, फिर शिफ्टिंग, फिर स्केलिंग, फिर टाइम में शिफ्टिंग एंड टाइम में स्केलिंग। ओके गाइस, तो देख लीजिए यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यस, नहीं है, ठीक। तो आगे एक और क्वेश्चन उठाते हैं और यही तीनों स्टेप थोड़ा सा फास्टली यूज करते हैं। अनदर एग्जांपल देखिए और फिर कुछ क्वेश्चन, हाँ जो मेथड फर्स्ट यूज करें एक प्रिकॉशन भी यूज करें, मेथड फर्स्ट में ये प्रिकॉशन याद रखिए, मेथड फर्स्ट का प्रिकॉशन क्या है, ए एक्स ए टी प्लस बी, इसको आप ऐसे मत लिखिएगा, ए एक्स ए कॉमन ले लिया, टी प्लस बी बाई ए, इस टाइप से मत लिखिए, नो नीड टू डू लाइक दिस, ऐसा कुछ छेड़खानी नहीं करिएगा,
ओके राइट, अगर आपने छेड़खानी किया तो ये मेथड चेंज हो जाएगा। ये सावधानी भी आपको यहाँ पर बरतनी है, ऐसा कुछ मत करिएगा, जैसा है वैसे ही करिए। नाउ अनदर एग्जाम्पल देखो, ट्रायंगुलर पल्स ले लिया हमने, रेक्टेंगुलर की जगह पर एक्स टी। ये क्वेश्चन, और हमें ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, टू टाइम्स एक्स टी माइनस माइनस टू टी माइनस टू, ये ड्रॉ करना है। तो पहले तो आप लोग इसे टाइप वन से बनाने जा रहे हो, ये टाइप वन से बिलोंग करेगा, बिलोंगिंग टाइप वन, टाइप वन में बिलोंग करेगा। तो उससे कंपेयर करा दीजिए, ए एक्स ए टी प्लस, तो कैपिटल ए की वैल्यू दो हो गई, स्मॉल ए भी माइनस दो हो गया और बी का वैल्यू माइनस दो हो गया, राइट। अब चलिए एक एक स्टेप यूज करते हैं। तो पहला एम्पलीट्यूड स्केलिंग करना है, तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग आप जानते हैं, कैपिटल ए का वैल्यू इसमें गुणा करना है, तो इट विल बिकम लाइक दिस। ऐसा आ जाएगा, टाइम शिफ्ट करना है, तो इस माइनस दो को इसके क्रिटिकल पॉइंट में घटा दीजिए, तो माइनस दो माइनस माइनस दो यानी जीरो पर आ जाएगा। यह भी एक इसका क्रिटिकल पॉइंट है, कैसे आइडिया लगा क्रिटिकल पॉइंट पर, एक इंसेक्ट छोड़ दीजिए, तो इंसेक्ट ने अपना जो है पाथ तीन बार चेंज किया, तीन पोजीशन पे चेंज किया, माइनस दो पर, जीरो पर और दो पर। तो माइनस दो माइनस माइनस दो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस माइनस दो दो हो जाएगा, दो माइनस माइनस दो चार हो जाएगा। इसमें करना था तो माइनस दो माइनस माइनस दो जीरो, दो माइनस माइनस दो यानी कि चार, तो जीरो दो चार पर शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी अब कैसा दिखाई देगा। अब हमें यही ग्राफ कुछ ऐसा लुकिंग होगा क्या, जीरो दो चार, हाँ है ना। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड की बारी। थर्ड में क्या करना है, टाइम स्केलिंग करना है, यानी इसके इसके कितने क्रिटिकल पॉइंट है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट है जीरो दो चार, उनमें आपको माइनस दो से डिवाइड करना है, माइनस दो से डिवाइड करना है।
तो जीरो डिवाइडेड बाई माइनस दो यानी कि जीरो ही रहेगा, टू डिवाइडेड बाई माइनस टू यानी कि माइनस वन रहेगा, एंड फोर डिवाइडेड बाई माइनस टू माइनस टू आ जाएगा। तो यानी ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, कंप्रेशन हो गया और टाइम रिवर्सल भी हो गया, यानी ये वाला फुट तो यहीं रहेगा, ये वाला जो फुट है माइनस वन पर आ जाएगा, ये माइनस दो पर आ जाएगा। तो ये बन गया टू एक्स माइनस टू टी माइनस टू। ओके गाइस, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो एक बार देख लीजिए आप लोग इसे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एम्पलीट्यूड स्केलिंग किया, टाइम शिफ्टिंग किया और फिर टाइम स्केलिंग कर दिया। अगर आप बिगनर हैं तो यही एक एक स्टेप फॉलो करिए, और अगर आपने थोड़ी सी भी तेज़ी कहीं दिखाई और बिगनर हैं तो गलतियां ज़रूर होंगी। चलो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, और फिर कुछ डिस्क्रीट टाइम वाले क्वेश्चन भी करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कंटिन्यूअस टाइम के ही क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन है, एक्स टी गिवन है, और हमें ड्रा करना है एक्स ऑफ वन माइनस टी, ये हमें ड्रा करना है। तो इसको थोड़ा टाइप वन की तरह मिल रहा है तो उसी तरह से लिख लीजिए। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ऑफ माइनस टी प्लस वन। अब ये टाइप वन की तरह लुकिंग होने लगा, इसे कंपेयर करा लीजिए ए एक्स ए टी प्लस बी से, कंपेयर करा दीजिए। ओके गाइस, तो इससे अगर कंपेयर कराया जाए तो कैपिटल ए की जो वैल्यू आएगी वन आएगी, स्मॉल ए की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी और बी की वैल्यू वन हो जाएगी। यानी एम्पलीट्यूड में वन से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप एम्पलीट्यूड स्केलिंग को हटा दीजिए। जिसमें कोई फर्क ना पड़े उसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग नो नीड, एम्पलीट्यूड स्केलिंग नो नीड, क्योंकि वन इंटू वन की वैल्यू वन ही रहेगा। तो अगला स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप, टाइम शिफ्ट करना है। तो टाइम शिफ्ट कैसे करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट से वन घटा देंगे। तो जीरो माइनस वन हो जाएगा माइनस वन पर, वन माइनस वन हो जाएगा जीरो पर, यानी ये वाला क्रिटिकल पॉइंट लेफ्ट में आ जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट भी लेफ्ट में यानी जीरो पर आ जाएगा।
यानी ऐसा दिखने लगेगा। यस या नो? राइट। फिर स्टेप थर्ड कर दीजिए, थर्ड स्टेप, टाइम स्केलिंग करना है तो इस क्या करना है, माइनस वन से इसके दोनों क्रिटिकल पॉइंट को डिवाइड करना है। तो माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन आ जाएगा वन, एंड जीरो डिवाइडेड बाई माइनस वन आ जाएगा जीरो। यानी ये जो परपेंडिकुलर टाइप का दिख रहा है ये तो पहुंच जाएगा वन पर और ये वहीं रहेगा, यानी ये ऐसा घूम जाएगा, ऐसा आ जाएगा। राइट। तो ये आ गया एक्स ऑफ वन माइनस टी का ग्राफ। ओके गाइस, इज इट क्लियर? आप इसे फास्टली भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बिगनर है तो ऐसा फास्टली कोई काम मत करिए, इसी की प्रैक्टिस करिए, कई बार ये धीरे से अपने आप फास्ट हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और उठाएंगे, फिर कुछ डिस्क्रीट टाइम के क्वेश्चन करेंगे। और वो क्वेश्चन ये है, इट इज एक्स टी, तो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है एक्स ऑफ वन माइनस टी, इसको ड्रॉ करना है। तो टाइप वन दिखाई दे रहा है तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और कंपेयर करा दीजिए। तो स्मॉल कैपिटल ए वन हो जाएगा, स्मॉल ए माइनस वन हो जाएगा और बी वन हो जाएगा। यानी अगेन एम्पलीट्यूड स्केलिंग को नो नीड, यानी एम्पलीट्यूड स्केलिंग नो नीड, कोई आवश्यकता ही नहीं उसकी। तो स्टेप सेकंड में डायरेक्ट आ जाइए, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या करना है, शिफ्ट करना है, टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट कर दीजिए इसे, तो वन जीरो माइनस वन हो जाएगा माइनस वन पर, वन माइनस वन हो जाएगा जीरो पर, यानी कि ऐसा आ जाएगा। थर्ड स्टेप कर दीजिए, स्केलिंग टाइम स्केलिंग करना है, तो टाइम स्केलिंग के लिए क्या करेंगे, माइनस वन से डिवाइड करेंगे, तो माइनस वन बाई माइनस वन हो जाएगा वन, जीरो बाई माइनस वन हो जाएगा जीरो, यानी ये ऐसा घूम जाएगा। ये यहीं पर रहेगा, ऐसा आ जाएगा। राइट। तो इट इज एक्स ऑफ वन माइनस टी। ओके गाइस, आई थिंक मेथड वन इज क्लियर एंड आल्सो गोइंग टू बी ओवर। कुछ डिस्क्रीट टाइम के क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के ही देखे हैं, अब कुछ क्वेश्चन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के देखा जाए।
लेट एक्शन माइनस टू पर वन है, माइनस वन पर टू है, जीरो पर थ्री है, वन पर टू है एंड टू पर वन है। वन टू थ्री टू वन ऐसा है, ये एक सीक्वेंस है। और हमें ड्रा करना है एक्स ऑफ टू एन प्लस टू, ये ड्रा करना है। ये दो है, वन है, ये थ्री है, वन टू थ्री टू वन। तो एम्पलीट्यूड इसे कंपेयर करा लो आप, पहले तो इसे कंपेयर कराओ ए एक्स ए एन प्लस बी से। तो कैपिटल ए का वैल्यू कितना आ गया वन, स्मॉल ए का वैल्यू हो गया दो और बी का वैल्यू हो गया दो। तो ये फिर से वन आया, नो नीड फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप की कोई आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट आओ सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आ जाइए। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है? सेकेंड स्टेप कह रहा है शिफ्टिंग करना है। तो B का वैल्यू दो है, इसके सारे क्रिटिकल पॉइंट से घटा दो, तो माइनस दो प्लस दो जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस दो वन हो जाएगा, जीरो प्लस दो दो हो जाएगा, वन प्लस दो तीन हो जाएगा और ये चार पर आ जाएगा। तो दो जोड़ने से क्या आया, जीरो वन टू थ्री फोर पर आ गए। जो न्यू सीक्वेंस है वो अब ये हो गई, जीरो वन टू थ्री फोर और इनकी हाइट वही है, वन टू थ्री टू वन, ये आ गया टाइम शिफ्टिंग। अब क्या कह रहा है, टाइम स्केलिंग करना है। तो यानी कि इसके हर एक क्रिटिकल पॉइंट को दो से डिवाइड करना है, तो कर दीजिए दो से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, दो से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएंगे क्या, जीरो वन बाई टू वन थ्री बाई टू टू,
जीरो, वन बाई टू, वन, थ्री बाई टू एंड वन टू। अब आप जानते हो कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करता, केवल इंटीजर वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। तो ये और ये पिक्चर में नहीं रहेंगे। क्या क्या रहेगा? जीरो, वन और टू, यानी ऐसा ग्राफ रहेगा बस। जीरो पर हाइट रहेगी, वन पर हाइट रहेगी और टू पर, यानी ये हाइट्स आ जाएंगी क्या, वन थ्री वन। तो ये आ गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर जो आया वो ये जो ग्राफ आ गया, इट इज एक्स टू एन प्लस टू। ओके गाइस, वो ये हो गया। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.